हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे नेचुरल गैस के एनालिसिस और नेक्स्ट वीक। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे नेचुरल गैस बंद हुआ है लगभग 480 रुपीज़ के अराउंड, लगभग 2.5 रुपीज़ की गेन के साथ 0.52% ऊपर बंद होते हुए हमने देखा है। तो चलो शुरू करते हैं एनालिसिस विथ द मंथली चार्ट। तो बड़े चार्ट पे आप देखोगे कि नेचुरल गैस इस महीने के लिए गेंस दिखा रहा है लगभग 10% के। हम ट्रेड कर रहे हैं 43 रुपीज़ ऊपर। लास्ट मंथ भी हमने जो है तो एक अच्छी खासी रैली देखी थी, और नेचुरल गैस में न्यूज़ फ्लो पे और सप्लाई कंसर्न के वजह से यहाँ जो है तो 30% के गेन दिखाए थे, और हमने लगभग 100 रुपीज़ के गेन आते हुए देखे थे नेचुरल गैस में लास्ट मंथ। उसको ही कंटिन्यू कर रहा है नेचुरल गैस, और यहाँ इन्वेस्टर के लिए जो टारगेट थे वो दोनों टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। 500 का भी टारगेट लगभग अचीव हो चुका है। अभी यहाँ ऊपर जो नेक्स्ट टारगेट बचा है वो 620 का है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा करेक्शन कंसोलिडेशन के बाद हम फिर से ट्राई कर सकते हैं 620 के तरफ जाने की। तो यहाँ मंथली चार्ट पे नेचुरल गैस बुलिश लग रहा है, मगर थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच लग रहा है, तो यहाँ नीचे आ सकता है क्रूड नेचुरल गैस। तो नीचे के लेवल पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी पड़ेगी। ऊपर जो है तो इन्वेस्टर के लिए 620 का टारगेट अभी भी खुला है। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि इस हफ्ते हमने लगभग 9.5% के गेन देखे 42 रुपीज़ के गेन के साथ नेचुरल गैस बंद हुआ है। लास्ट हफ्ते हमने लगभग 4% के गेन देखे थे, उससे पहले लगभग 14% के। तो ये चौथा हफ्ता है नेचुरल गैस के लिए जिसमें हम पॉजिटिव गेन्स देख रहे हैं। तो ये क्लियरली सजेस्ट करता है कि सप्लाई कंसर्न और जो मोमेंटम बिल्डअप हुआ है वो कंटिन्यू हो रहा है, और यहाँ जो इन्वेस्टर के लिए जो दोनों टारगेट थे वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कंसोलिडेशन आ सकता है, और यहाँ जो है तो हम फिर से 430 या 410 तक की भी लेवल नेचुरल गैस में देख सकते हैं। तो जिनके पास नीचे लॉन्ग पोजीशन बनाइए उन्हें सलाह रहेगी एक तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या फिर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर रखिए, क्योंकि यहाँ से आपको जो है तो एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। एक बार हमने प्रॉफिट बुकिंग देख ली उसके बाद में नेचुरल गैस बेस बनाएगा और फिर से जो है तो 620 के लेवल ट्राई करने की कोशिश करेगा। तो फिलहाल मेरी कोई वीकली चार्ट पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बाइंग की सलाह नहीं होगी। यहाँ जिन्होंने नीचे के लेवल पे लिया होगा उन्हें प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। यहाँ जो है तो नीचे के लेवल का वेट करेंगे हम फिर से री एंट्री लेने के लिए लॉन्ग साइड पे। यहाँ जो है तो शॉर्ट भी जा सकते हो आप, मगर शॉर्ट जो है तो बहुत ही रिस्की हो सकता है, क्योंकि यहाँ मोमेंटम जो है तो कभी भी चेंज हो सकता है, और न्यूज फ्लो पे हम हो सकता है कि ये रैली कंटिन्यू भी हो, तो इसके वजह से हम शॉर्ट भी अवॉइड करेंगे। शॉर्ट लेंगे मगर इंट्राडे में पोजिशनल शॉर्ट लेने की सोचिएगा भी मत। नीचे जो है तो सपोर्ट पे इसको बाय करने की हम कोशिश करेंगे। शॉर्टिंग पोजीशन जो है तो बहुत ही रिस्की और बहुत ही लॉस मेकिंग हो सकती है। यहाँ मुझे लगता है कि 505-510 पे अगर इंट्राडे पे मिलता है तो वहाँ जो है तो अगर उसमें वीकनेस दिखाई देती है तो हम जो है तो उन लेवल पे शॉर्ट जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ बाइंग के जो लेवल रहेंगे हमारे लिए नेचुरल गैस में वो रहेंगे 390 और 350 के बीच में। उसके बीच में मुझे लगता है कि एक बार जो लॉन्ग है उनको वाइप आउट करने के लिए एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग मूव आ सकती है। इससे जो वीक हैंड है वो वाइप आउट हो जाते हैं, और फिर से जो है तो ट्रेंड कंसोलिडेशन के बाद कंटिन्यू होता है और हम जो है तो नए हाई देखते हैं। तो ऐसे मूव मार्केट में आते रहते हैं, क्योंकि मार्केट जो है तो वीक हैंड को टेस्ट करते रहते हैं। तो वीकली चार्ट पे मेरी जो सलाह रहेगी लॉन्ग साइड की है, मगर हम नीचे के लेवल का वेट करेंगे। हमें लॉन्ग जाना भी है तो ऊपर के लेवल पे शॉर्ट कर सकते हो, मगर इंट्राडे बेसिस पे यहाँ जो है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने जो तो पिवट के ऊपर शुरुआत की थी और एक अच्छी खासी रैली हमने बिल्डअप होते हुए देखी है। ऊपर जो है तो 515-520 के अराउंड इसका फाइनल टारगेट है इस महीने का। तो उसके अराउंड अगर नेचुरल गैस मिलता है तो हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ से जो है तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग मूवमेंट आ सकता है जो क्रूड ऑयल को लेकर जाएगा 405 और लगभग 390 के लेवल की तरफ। तो यहाँ जो है तो एज़ पर डेली चार्ट मुझे लगता है कि हम 515-520 के लेवल देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। 470 के ऊपर जब तक नेचुरल गैस है तब तक लॉन्ग रहना चाहिए। आपके टारगेट रहेंगे 515-520 पे हम शॉर्ट बनाएंगे, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 535 और नीचे जो टारगेट रहेगा उसका
उसका टारगेट रहेगा 405 से लेकर 390 तक। तो ये दो ट्रेड बनते हैं। अभी 470 के ऊपर हमारा बाय ऑन डिप्स व्यू रहेगा, टारगेट रहेंगे 515-520 पे आता है तो हम शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 535, टारगेट रहेंगे 405 से लेकर 390। और ये जो टारगेट है ये आपको जो है तो अगर आप शॉर्ट पोजीशन लेते हैं ऊपर के लेवल पे तो ये आपको नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर में लेनी है, ना कि इस मंथ में, क्योंकि ये जो लेवल आने के लिए शायद थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ये जो नेक्स्ट शॉर्ट पोजीशन हम क्रिएट करेंगे वो क्रिएट करेंगे हम मे के फ्यूचर में। अप्रैल के फ्यूचर के लिए आपको 470 के ऊपर जो है तो लॉन्ग व्यू रखना है, 515 से 520 के टारगेट आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिल जाएंगे। आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक 470 के नीचे होना चाहिए, या फिर आपको 470 के अराउंड बाय करना है, एक 10-1 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए, तो 460 का स्टॉप लॉस पकड़ के चलिए। 515-520 के टारगेट आपको डेफिनेटली नेक्स्ट वीक देखने को मिलेंगे। तो ये यहाँ मोमेंटम शॉर्ट टर्म चार्ट पे अच्छा है और 470 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें डेफिनेटली 515 से 520 के लेवल नेचुरल गैस में देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो मेरे प्रीमियम श्योर शॉट कमोडिटी कॉल्स पे तो उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाकर ज्वाइन कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.